नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं और आप सभी को पता है कि रेलवे का जो टिकट बुक हो रहा है वो बेसिकली IRCTC से हो रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने रेलवे का टिकट IRCTC वेबसाइट से बुक कर लिया है लेकिन किसी कारणवश आपको उस दिन ना जाना हो, कोई काम पड़ गया, कोई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ गया कि उस दिन जो यात्रा करना था वो शायद आप ना कर सके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए बस आप क्या करते हैं कि टिकट कैंसिल कर देते हैं और टिकट कैंसिलेशन में कुछ चार्जेस कटते हैं और वापस कुछ पैसे जो है आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं, और आप जिस दिन जाना नहीं चाहते थे वो उस दिन आप नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जिससे क्या होता है कस्टमर्स को भी फायदा होता है और वो अपना पैसा कुछ कुछ जो है सेव कर लिया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से IRCTC से अगर आपने किसी टिकट को बुक किया है और अचानक से किसी कारणवश आपको वो टिकट कैंसिल करना पड़े तो आप IRCTC से बुकिंग टिकट को किस तरीके से कैंसिल करते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूं कि आप किस तरीके से IRCTC से बुकिंग टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से अगर आप टिकट बुक किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसको कैंसिल करें तो आप IRCTC के माध्यम से कैंसिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टिकट बुक है, यहाँ पर चेन्नई से बनारस के लिए बुक है, सेकेंड क्लास था लेकिन ये वेटिंग लिस्ट 4 है, लेकिन रिसेंटली तत्काल टिकट बुक हो गया है। तो अब मैं चाहता हूँ इसको जो है कैंसिल करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि माय अकाउंट पे क्लिक करना है। माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो माय प्रोफाइल पे जाते हैं, माय ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। माय ट्रांजेक्शन पे जब जाते हैं आप, तो यहाँ पे दिखता है कि बुक टिकट हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं बुक टिकट हिस्ट्री। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिएगा आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है, इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी हुई है, कितना पेमेंट कटा है, क्या है क्या नहीं है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि कैंसिल टिकट, गेट PNRS स्टेटस, NOS बुकिंग, गेट SMS, चेंज बोर्डिंग पॉइंट, ऑर्डर फूड, बुक होटल, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फीचर्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें से क्या करना है कि टिकट कैंसिल करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कैंसिल टिकट यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देख रहा है कि इंडियन रेलवे, IRCTC और इट्स एम्प्लॉयज नेवर आस्क फॉर एनी पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक डेबिट कार्ड नंबर, OTP, ATM पिन टू द CVV नंबर, पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी कह रहा है कि अगर इसके लिए आपका कोई भी चीज़ें नहीं मांगी जाती है कि आप कैंसिल क्यों आप कैंसिल कर रहे हैं तो आप ये OTP नंबर, ATM कार्ड नंबर, इस प्रकार की चीज़ें दें, यहाँ पे ओके और कैंसिल। अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल किया जाए तो फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर गाड़ी संख्या सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ गया, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 2 चला गया था जबकि वेटिंग लिस्ट 4 में लिया हुआ था। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई होता क्या है कि 3-4 कई लोगों के टिकट बुक होते हैं लेकिन उसमें से किसी एक का करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो यहाँ पे चेक मार्क कर दिया और यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कैंसिल टिकट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कैंसिल टिकट पे क्लिक करते हैं डू यू वांट टू प्रोसेस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, तो हाँ जी मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो ओके यहाँ पर कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रिंट, यहाँ पर जो है प्रिंट कैंसिल रिसिप्ट, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो है टिकट जो है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रिंट कैंसिल रिसिप्शन हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने कैंसिल किया है। तो आप मान लीजिए किसी एक पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ कैंसिलेशन 7 मार्च है, तो मैंने यहाँ पर इतने बजे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये आप इसको रख सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं चाहते, लेकिन एक एज एविडेंस के तौर पर रख सकते हैं कि हाँ जी मैंने जो है टिकट को जो है कैंसिल कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, कट करता हूँ इसको यहाँ पे, और यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस कैंसिल्ड लिख रहा है, यानी कि आपका जो टिकट है वो ऑलरेडी कैंसिल्ड हो चुका है। अब फिर से आप देखना चाहते हैं तो माय ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल, फेल्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, टिकट रिफंड हिस्ट्री, यहाँ पर टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री, टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपने आप यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो सामने आ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू।
तो दोस्तों देखा आपने इस तरीके से आप IRCTC अकाउंट में जाएंगे तो जो जो मैंने प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर को फॉलो कर कर आप आसानी से अपने टिकट्स का जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं और कुछ अमाउंट डिडक्ट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो इंडियन जो रेलवे का जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है वो कुछ पैसे काट कर बाकी पैसे आपको ट्रांसफर कर देगी। हो सकता है कुछ समय लगे और वक्त का कुछ पता नहीं कि कब आपको वो ट्रांसफर करे, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो टिकट कैंसिल करना चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी की वजह से जानकारी ना हो तो वो कैंसिल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो जा भी नहीं पाते हैं प्लस उनका पैसा भी डिडक्ट हो जाता है। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए थी। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत